हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी क्वेरी है नीट पर, नीट यूजी 2024 पर, उसको लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेरी आया है कि यहाँ पर नेपाली, जैसे कि फॉर नेपाली स्टूडेंट्स वी हैव टू रजिस्टर यूजिंग पासपोर्ट, आई एम करेक्ट। देखिए, आपके पास पासपोर्ट है तो इट्स ओके, अगर आपको पासपोर्ट नहीं है तो आप सिटीजनशिप से भी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो पासपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी, बट पासपोर्ट इज अ बेस्ट ऑप्शन। टू टेक सेंटर इन इंडिया, डू यू हैव टू मेक एनी टेम्पोररी डॉक्यूमेंट्स? कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो, बिकॉज इन इंडिया ओनली देयर इज अ सेंटर। नेपाल में कोई सेंटर नहीं है, आउटसाइड इंडिया कोई सेंटर नहीं है। तो सो आप इंडिया ही में एग्जाम देना कंपलसरी है आपके लिए। तो आप चार ठो सेंटर की ऑप्शन वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते वक्त रखने को आएगा, तो आप चार ठो में से कोई भी ऑप्शन अपने जो पहला नंबर पर रखे, जो मस्ट कन्वीनियंट, उसके बाद लेस कन्वीनियंट, इस तरह से उसके बाद वेरी लेस कन्वीनियंट, उसके बाद वेरी वेरी लेस कन्वीनियंट सेंटर रखिए, इस तरह से रखिए। उसके बाद आते हैं, सर आई एम फ्रॉम नेपाल, टुडे व्हाइल सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्रिएटिंग फॉर्म आई शुड नॉन इंडियन पासपोर्ट, बट आई डोंट हैव अ मेड पासपोर्ट स्टिल, इन दैट प्लेस आई केप्ट सिटीजनशिप नंबर एंड द फॉर्म गॉट ओपेंड, इज दैट वैलिड इफ आई कीप माई नागरिकता नंबर इन प्लेस ऑफ नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, प्लीज डू सजेस्ट मी। यस, 100% करेक्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सिटीजनशिप से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी दिकदारी वाली बात नहीं है। तो बी फ्री, बी रिलैक्स एंड फिल योर फॉर्म विथ सिटीजनशिप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं तो 7,000 रुपये आपको सेविंग होगा, कोई झंझट, कोई लफड़ा, कुछ भी नहीं है। और आप इंडियन नीट यूजी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यू आर टारगेटिंग इंडियन एम्बेसी फॉर्म। सो इन इंडियन एम्बेसी फॉर्म देयर इज अ पासपोर्ट इज मैंडेटरी, सो अप्लाई फॉर पासपोर्ट नाउ। उसके बाद आते हैं, दाई नीट नीट को फॉर्म फिलअप करने वीडियो, बिल्कुल वीडियो आएगा, कोई डोंट वरी। पासपोर्ट कंपलसरी है? पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट इज नॉट कंपलसरी, ओके, पासपोर्ट इज कंपलसरी। सर प्लीज़ मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू फिल नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ नेपाली स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाले पिछले वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फिर से मैं एक बार यहाँ भी करता हूँ, पासपोर्ट या सिटीजनशिप, आपके दो फोटो चाहिए रिसेंट में खिंचवाए हुए, जिस पर नेम एंड डेट मेंशन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो 6x8 कॉपीज निकलवाइएगा और उसकी सॉफ्ट कॉपीज भी लीजिएगा, पोस्ट कार्ड फोटो 4x6 कॉपीज निकलवाइएगा, उसका भी सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों लीजिएगा, क्योंकि कॉपी से आपको अपलोड करने में काम लगेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हु वांट टू चूज एग्जाम सेंटर इन इंडिया नॉट इन काठमांडू, कोई भी काठमांडू में कोई सेंटर ही नहीं है, इंडिया में सेंटर है, ओनली इंडिया अवेलेबल है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस सून एज पॉसिबल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स का रिलीज मैंने बता दी। सर फॉर्म खुल गया है, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर नीट? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दो आपको www.nta.ac.in लॉगिन कीजिए, या https://exams.nta.ac.in/capital लिखिए, उसके बाद वहां से आपको लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर कोई नहीं समझ आ रहा है तो लिखिए YouTube पर, सर्च कीजिए हाउ टू फिल नीट यूजी 2020 फॉर्म्स, बहुत सारा वीडियो आएगा, वहाँ से देखकर आप आगे बढ़ जाइए। सर डू यू नीड पासपोर्ट एज ए नेपाली स्टूडेंट? पासपोर्ट इज नॉट कंपलसरी, पासपोर्ट इज ऑप्शनल, यू कैन फिल योर फॉर्म विथ इन नेपाली सिटीजन्स ऑल्सो। दाई प्लीज रिप्लाई, नीट में प्लस टू का डॉक्यूमेंट्स में मार्क्स डालते वक्त 3.8 GPA है तो कैसे मार्क्स डाले? उसमें तो ऑप्शन, प्लीज सेलेक्ट CGPA एंड CGPA में जो भी है वो सारे CGPA में रखिए, और जहाँ परसेंटेज पूछ रहा है तो आप जो भी आपकी GPA है उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 25 से और रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं नेपाल से हूँ, ICCR के थ्रू वो पता नहीं ICCR कब आएगा, तो सो ये सारे ऑप्शन रहा, मैं फिर से पार्डन करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट या सिटीजनशिप होने से हो जाएगा, पासपोर्ट इज़ नॉट कंपलसरी, पासपोर्ट इज ऑप्शनल। उसके बाद पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं, आप पेमेंट नेपाल से भी कर सकते हैं, कुछ चार्जेस कटेगा आपकी डेबिट कार्ड से, अगर आपकी डेबिट कार्ड में ई कॉमर्स एक्टिवेट है तो 100% हो जाएगा, और कुछ कुछ बैंकों में ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, कुछ कुछ बैंकों में नहीं होता है। उसके बाद आपको कहने का मतलब कि इंडिया ही में सेंटर है, इंडिया में सेंटर लेने के लिए कोई सा आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना पड़ेगा, नेपाल में कोई भी सेंटर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।